कल मैं बाजार गई थी, वहाँ मुझे ताजी ताजी गोभियाँ मिली। सर्दियों में गोभियों को सब्जी खाना किसको नहीं पसंद है, तो आज मैं बना रही हूँ एकदम ढाबा स्टाइल गोभी मसाला। तो इसके लिए गोभी मैंने काट लिया है और एक बर्तन में पानी लेके उसमें नमक डाल देंगे और इन कटे हुए गोभियों को थोड़ी देर के लिए उसमें रख देंगे। इतने ही देर में हम ना आलू को काट लेंगे, क्योंकि इसमें हम आलू डाल के बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं और इनको छोटे छोटे आकार में काट लिए हैं। अब पानी को गर्म करके उसमें हल्दी और नमक डाल के जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें गोभियों को डाल देंगे। इसको थोड़ा अच्छे से ब्लंच कर लेंगे, मतलब 50% जैसे 50% तक हम लोग इसको कुक कर लेंगे, फिर इसे निकाल लेना है। बहुत लोगों को गोभियाँ खाने से, मतलब गोभी खाने से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये ऐसा करने से ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ मैंने गोभियाँ निकाल लिया है और उसी पानी में हम आलू को भी डाल देंगे और आलू को भी ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही मतलब भाई 50% पका लेंगे। बस निकाल लेना है। अब कढ़ाई में तेल डाल के उसमें डाल देंगे नमक और नमक डाल के इन गोभी को हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही तेल में फिर कुक करना है। तो बस देखिए ये जैसे लाल लाल हो चुके हैं, मतलब इनको निकाल लेना है। अब इसी में मैं बाकी गोभी अभी फ्राई कर लूंगी। बहुत जन पूछते हैं आप अगर फ्राई करने के बाद तेल जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, तो मैं तो कोशिश करती हूँ इतना तेल में करूँ ताकि बाकी तेल में मैं अगले मैंने खाना बना सकूं, उसको रखना ना पड़े। बस वही तेल में मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल में हम डाल देंगे जीरा और उसके साथ डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची, गरम मसाला, दालचीनी और तेज पत्ता, सारी चीजों को डाल के तो और थोड़ा सा चीनी डाल देंगे ना, इससे इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। अब 2 बड़े प्याज काट के रखे थे मैंने, मैंने उनको डाल दिया और प्याज को ना अच्छे से भून लेना है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पेस्ट डाला है और इसको भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। जैसे ये हल्का सा मतलब फ्राई हो जाएगा इसमें डालेंगे हम कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, आप चाहे तो और एक भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। बस इसमें डालना है हल्दी पाउडर और नमक और डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और फिर थोड़ी देर ढक देंगे इसको पकने के लिए, मतलब टमाटर ताकि जो हमारा वो जल्दी से पक जाए। बस हो जाएगा थोड़े ही देर में, आपको चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। अब मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाला है, दोनों ही मतलब एक टेस्ट के लिए और एक कलर के लिए। अब मैं इसमें हरे मटर डाल रही हूँ, ये फ्रोजन मटर है, आप चाहे तो एकदम फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब इन चीजों को भी डाल के अच्छे से मसाले को पका लेना है, जब तक साइड से ये मसाले छोड़ते नहीं है, मतलब ऑयल नहीं छोड़ते तब तक। अब थोड़ा पानी डाल देंगे के इनको ना और एक बार अच्छे से मिला देंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें एक उबाल आ जाएगा, ऊपर से तेल निकलने जैसा होगा, तब हम हमारे फ्राई किए हुए गोभी और आलू को डाल के इसमें मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, साथ ही में 1 कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। डाल के अच्छे से इसको मिला देना है और इसको भी थोड़ा पानी डाल के ना ढक देना है। इससे क्या होगा, सारे मसाले भी पक जाएंगे, साथ में हमारे गोभी, आलू और टमाटर भी एकदम अच्छे से कुक हो जाएंगे। थोड़ी देर में देखिए इससे कितना सुंदर कलर आया है। ऊपर से धनिया पत्ती डाल दीजिए बहुत सारा और बस रेडी हो जाएगा घर में बना ये ढाबा स्टाइल गोभी मसाला। चाहे रोटी हो या पूरी, सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार जरूर बनाइएगा।